नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो आज शाम का ध्यान से देखना, क्योंकि आज शाम के इस वीडियो में जो खबरें हैं वो एक से बढ़कर एक लगी हैं और काफी जगह से लगी हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो सभी भाई बहन देखें, बीच में ना छोड़े, ये आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। एक बहन ने लिखा कि धरने और ट्वीट से सरकार की कुर्सी हिल गई है, 1500 रुपया भी मानदेय के साथ कई जनपदों में आने शुरू हो गए हैं, ऐसी सूचना कई कार्यकर्ती बहनों ने दी है, कुछ के प्रोसेस में भी पैसे लगे हुए हैं। तो इस पर हम ये बात कहना चाहेंगे, अमरेश कुमारी बहन, उन्होंने लिखा हुआ और बताया है। तो फिलहाल के लिए जो मैसेज है इसमें सच्चाई यही है कि काफी जगह तो मुझे नहीं पता किन किन जनपदों में आए हैं, लेकिन केवल दो बहनों के नाम सुबह मैंने बताए थे और उनके मैं फिर बता रहा हूं। पूनम चौधरी बहन है, उनके खाते में 7000 रुपया मानदेय का लगा हुआ है और यह सब मैं सुबह भी दिखा चुका हूं। और एक है सुमन देवी बहन, इनके खाते में लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए इनके अलावा एक बहन और देखने को मिली है हमें, मुड़ा पांडे वगैरह डिस्ट्रिक्ट से, जो ब्लॉक है मुड़ा पांडे डिस्ट्रिक्ट वगैरह मुरादाबाद है, यहां से नुसरत जहां बहन है, उनके खाते में जो रुपया देखने को मिला है वो 9000 मिला है। अब चौंकाने वाली खबर है, लेकिन क्या करें, है तो आपको हम दिखा रहे हैं। 7000 भी चौंकाने वाला ही है, क्योंकि केवल दो बहनों के अलावा मुझे और कहीं से भी कोई बहन ने, भाई ने नहीं कहा कि उनके खाते में 7000 रुपया लगा है। हां, हर एक जनपद से मेरे पास मैसेज आया कि उनके खाते में 1000 रुपया लगा हुआ है। तो अब आपको बता दें, जो 7000 के मैसेज लगे हैं वो काफी ज्यादा जनपदों से जानकारी नहीं है। तो केवल गिनी चुनी बहन दो निकली जिनके खातों में 7000 का मैसेज आया, उन्होंने जानकारी भेजी, लेकिन अब यहां पर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि 1500 रुपया सरकार ने उनको लगा करके दिया या उनका किसी अन्य तरह से जो है या ज्यादा आ गया या किस तरीके से गलती बस आया, ये इसका भी कोई अभी हल नहीं निकल सकता। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम ये माने कि इन बहन का पैसा पुराना है और उनको पहले से भुगतान नहीं हो रहा है तो ये बात भी सत्य नहीं है। रीजन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर आप देखिए, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे। पहला, ऊपर जो इनका 4563 और 1000 रुपया जो ऊपर आया है, ये 25 देखिए जनवरी को इनका आया था और 25 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में सब बहनों का पैसा आया था। आप सबको पता है दिसंबर वगैरह का पैसा था, जनवरी फरवरी का बकाया था वही आना था। तो अभी आप देखिए 25 तारीख को जब इनका दिसंबर तक का आ गया, इनके पहले भी पैसे बराबर बहन के अगर आ रहे हैं तो हम ये कैसे कह लें और कैसे मान लें कि इन बहनों का ये पैसा पुराना वाला है। तो ये नया ही पैसा है 7000, लेकिन इसमें 1500 है या नहीं है, अब इसके लिए थोड़ा इंतजार आपको और लंबा करना पड़ेगा। अभी हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सुन ली है या हमारे धरने प्रदर्शन से या हमारे ट्वीटों से उनका सिंहासन हिल गया है। तो अभी आप सबको अपना जो धरना प्रदर्शन है, अपनी मांगे हैं, अपना जो विरोध है उसको जताते रहना है, उसको करते रहना है, उसको कम नहीं करना है और अभी समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आप देखिए, बैलेंस चेक करने में काफी भाई बहनों को दिक्कत आ रही है, एरर आ रहा है इस तरीके से, तो ये ऊपर से ही टेक्निकल खराबी है। अगर हो रहा है तो सब में हो रहा है। अगर कोई भाई बहन वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इस तरह का अगर एरर आपको दिखाई दे रहा है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि केवल आपके ही जो है खाते में ऐसी समस्या नहीं है, बहुत से भाई बहन जिनके खाते में ये नहीं हो रहा, यानी ऐसे ही हो रहा है, उनका भी चेक नहीं हो पा रहा। बाकी कुछ भाई बहनों के खुल भी जाते हैं और वो देख करके भेज देते हैं। और बाकी जो भी चीजें, जब पैसा सक्सेस हो जाएगा तो हम बता देंगे कि पैसा सक्सेस होने लग गया। फिर आप सब भाई बहन जिनका नहीं शो हो रहा है, नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो आप अपने बैंक में सीधा जाना और सीधा वहीं से पूछ लेना, अभी मत दौड़ना, क्योंकि अभी तो अंडर प्रोसेसिंग में लगा है, सक्सेस वाली तो हमने बात ही नहीं की है। तो आगे चलते रहो। बाकी जो 7000 वाला जो मैटर है वो भी अभी क्लियर नहीं है, उसके लिए भी लंबा समय थोड़ा चाहिए। बाकी दो ही बहन मुझे देखने को मिली है। आगे चलते, अगली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर तो दिख ही रही होगी कि आशा और आंगनबाड़ी को 10000 रुपया मिलेंगे। तो ये पैसे मिलेंगे, ये कोई मानदेय नहीं है जो आपको हम बता दें कि मिलेंगे। अखबारों का हमेशा से यही राग रहा है कि वो जब भी कुछ दिखाते हैं तो कुछ ऐसा छापते हैं कि हेडिंग देख करके ही लोग जो है खुशी से फूले ना समाए। अब इसमें आपको हम बता दें, ये देहरादून से खबर है, यानी उत्तराखंड की जो आंगनबाड़ी बहने हैं उनके लिए यह खुशी की बात बताई जा रही है। उत्तराखंड देहरादून गैसरसैंण वगैरह में खबर छपी है, कोरोना काल के दौरान सेवा देने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनको 10000 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ऐसा विभाग सरकार ने वहां उत्तराखंड में अभी अभी बोला है, कल 8 मार्च को इसमें लिखा। जबकि राज्य के सभी महिला जो है मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 15000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल जो है गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा की है। तो आपके उत्तराखंड में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कल कहा है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनों को 10000 रुपया दिया जाएगा, समूह की जो बहने हैं और भी जो भाई बहने महिला दल वाले उनको 15000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि समाज और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत, देखो सरकार तो कहती है महिलाओं का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और ये सब चीजें बात करती है, तो आपको अगर इतनी फिक्र है तो आप
आप आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाते? आप तो केवल कोरोना काल का ये 10-10 हजार रुपए का बस ऐसे तोहफा दे रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं महिला के अवसर पर। चलो ये भी बहुत है, क्योंकि अन्य राज्यों में सरकारों ने तो ये भी बहनों को नहीं दिया है। तो चलो ये आपने दिया उसका हम कद्र करते हैं, लेकिन इनके मानदेय के बारे में भी सोचिए। लंबित मानदेय उत्तराखंड में पड़ा हुआ है, बहनों का पैसा काफी महीनों से नहीं आ रहा, वो भुगतान कराइए। और साथ ही साथ उनके पैसे बढ़ाने पर थोड़ा विचार कीजिए, ना किस तरीके से जो है जो ऐसे काम कराओ और उसके बाद में इतने इतने लंबे समय के बाद में उनको पैसे का भुगतान हो। महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं आप देखिए यहां पर विभाग ने कहा कि चलाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए ये सरकारों का तो हमेशा से ही रहा है, अधिकारियों का भी रहा है कि वो अधिकारी सरकारों की बड़ाई मारती हैं और सरकारें अपने अपने जो योजनाएं चलाते हैं उनकी बड़ाई मारती हैं। भले ही योजना पहले से चल रही हो, उनका नाम बदल देते हैं और फिर उनको जमीन पर उतार देते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और बताते हैं। तो ये आंगनबाड़ी बहने आशा बहने आपके लिए खुशखबरी है उत्तराखंड में कि 10-10 हजार रुपया कोरोना वगैरह का काल का ये आप लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कल उत्तराखंड में बोला है, ममता बहन उनके द्वारा उत्तराखंड से आज ये जानकारी भेजी गई है। मुजफ्फरनगर में देखिए एक सरकारी आदेश 6 तारीख को निकला है, 6 मार्च को, और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं आज के इस वीडियो में क्योंकि ये आप सबकी बहुत सी बहनों की समस्याओं का समाधान कर देगा। इसमें लिखा है श्रीमती कविता आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, केंद्र वगैरह दुल्हेरा है, विकास खंड शाहपुर वगैरह से है, मुजफ्फरनगर में। वहां पर हमारी बहन को यह मैसेज जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ महोदय ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि बिंदु 11 में देखो 29/11/2021 को एक सरकारी आदेश जो निकला है 29/1/2021 यानी नई जो भर्ती चयन प्रक्रिया का शासनादेश दिखाया था उसमें सारी चीजें साफ लिखी है। मैंने पिछले वीडियो में कल परसों में बताया भी था, सुनील भाई जी ने भी इसी मुद्दे पर बात की थी और फिर भी भाई बहनों को जो है साथ दिक्कतें आ रही होंगी। तो यहां पर आपके डीपीओ महोदय ने भी मुजफ्फरनगर के क्लियर किया कि 29/1/2021 का जो लेटर आया था उसके बिंदु 11 में स्पष्ट प्रावधान लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका यदि जन प्रतिनिधि पद जो है निर्वाचित होती हैं तो उसकी मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएंगी, इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्य आवश्यकता नहीं होगी और तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचित होने की तिथि तक त्याग पत्र स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है, आप अवकाश पर जा सकती हैं। तो देखो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको पहले ही त्याग पत्र नहीं देना है, यह डीपीओ महोदय ने भी कहा। मुजफ्फरनगर के डीपीओ का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उचित मार्गदर्शन बहनों का किया लेटर निकाल करके। बाकी जगह तो बहने उनको जो है विभाग वाले गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि जो है आप नौकरी आप पहली बात तो लड़ ही नहीं सकती, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप सोचिए और समझिए, आपने जो किया वो बहुत मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नहीं बाकी जगह की बहन भाई आप भी देखे, चुनाव आप लड़िए, पर्चा भरिए, जीत जाएंगी तो आपकी मानदेय सेवाएं ये वाली स्वतः समाप्त हो जाएंगी और इसके लिए आपको कोई त्याग पत्र या कुछ देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप प्रधान वगैरह बन जाती हैं तो फिर आप लोगों की समस्याएं जो है उन बहनों की समाप्त हो ही जाएंगी। बाकी आप लोगों का जो है मानदेय का जो भी है वो रोना धोना वाला भी सिस्टम भी आपके कलेश भी बहनों कट जाएंगे। तो प्लीज लड़ सकती है, अगर है आप में हिम्मत तो आप लड़िए। ये हम ये नहीं कहते कि हर बहन पर्चा भर दे, भाई अपनी स्थिति को देख करके करिए। बहुत सी बहनें लड़ना चाहती तो वो लड़े उनके लिए था। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मांगों को लेकर के अपनी हुंकार भरी है, आजमगढ़ में ये खबर एक छपी हुई थी। तो हर जगह धरने चल रहे हैं और धरने में आपको बता दूं एक और जानकारी आई, महिला दिवस पर अपमान से भड़की आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता बहने। तो आपको बता दें केसरी वगैरह में ये असमोली विधानसभा केसरी की बात कर रहा हूं, मरण वगैरह में विकास खंड है असमोली, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी शामिल हुई थी जिनमें हमारी इन बहनों के साथ जो व्यवस्था उनके लिए बैठने की उचित हुई नहीं, तो इसीलिए बहनों ने विरोध जताया और यहां पर बहने हमारी जो उन्होंने विरोध प्रदर्शन अच्छे तरीके से जताया है। तो आप देखिए सम्मान सरकारें नहीं दे पा रहे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मान देने के लिए बुलाती हैं और बैठने की उचित व्यवस्था भी नहीं कर पाती हैं। आगे बता दें प्रतापगढ़ जनपद में जिला अध्यक्ष माधुरी सिंह बहन है और उन्होंने ये देखिए यहां पर लेटर वगैरह ज्ञापन वगैरह थमाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। इनके अलावा ये रहा गौरीगंज ब्लॉक वगैरह में भी देखिए हमारी बहनें, उन्होंने भी काली पट्टी बांध करके विरोध किया था और यहां पर गौरीगंज जनपद अमेठी वगैरह में भी ये ज्ञापन दिया गया था। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर ये कुछ तस्वीरें भी वहीं से आ रही हैं और अप्रैल से नहीं लगेगी पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं। एक खबर मेरे पास आई है मध्य प्रदेश भोपाल से है, तो भोपाल में आपको बता दें मनमानी फीस वसूली नहीं ऐसे करके चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको हम मेन पॉइंट पर बताते हैं बहन ने भाई ने क्या लिखा हुआ है। लिखा भैया जी मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल लाने में सरकार डर रही है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को इकट्ठा कर कार्यक्रम कराने एक साथ भोजन नाश्ता कराने में नहीं डर रही है सरकार, ये नन्हे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा। तो सही बात है, ये चीजें सरकार को ध्यान देनी चाहिए। वैसे भी केस अब बढ़ने स्टार्ट हुए हैं काफी स्टेटों में, ललितपुर वगैरह से मोहनी पंत वगैरह से लिखा हुआ यहां पर भी जो है आप देखिए जानकारी आई है और ललितपुर में ये हमारी भाई हैं राजा अरुण बुंदेल और उन्होंने देखिए जानकारी भेजी
भेजी है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर सभी बहनें उनके साथ में और धरना प्रदर्शन जारी है और यहां पर ये काफी जो है दिनों तक भी चलने वाला है। 8 तारीख को ये लेटर वगैरह भी वहां पर भेजा गया है। आगे चलते हैं और बताते हैं, एक और जानकारी आई, ये देखिए यहां पर मुजफ्फरनगर वगैरह में भी बहनें धरने पर बैठी हैं। इनके अलावा बात करते हैं, ये गाजीपुर वगैरह जिले से भी बहनें हैं और यहां पर भी बहनों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला हुआ है। आगे चलते हैं यहां पर और बताते हैं, एक मैसेज आया है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी करने वाली आंगनबाड़ी सहायिका पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। एटा जनपद का यह मामला है, आंगनबाड़ी सहायिका के खिलाफ कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी करने का आरोप लगा है और इसीलिए यहां पर जो रिपोर्ट विभाग को गई है। अब आगे देखो यहां पर क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और बताते हैं, निशा खातून बहन है, उनके द्वारा ये मुझे एक फोटो भेजी गई और आज भी बहन का यह धरना प्रदर्शन जारी है। आज हमारी बहनों का दूसरा दिन है, आप यहां पर देख सकते हो, निशा खातून बहन ने भी जानकारी भेजी है। 9 तारीख आज है और आज भी बहनें धरने पर हैं। हमारी सीडीपीओ कदौरा वगैरह को मांग पत्र वगैरह भी बहनों ने दिया हुआ है, उसका तस्वीर भी भेजा और बहुत सी फोटो और भी भेजी गई हैं। इनके अलावा बात करते हैं, शोभा रानी बहन है, उन्होंने भी मुझे ये एक फोटो भेजी है। लखनऊ वगैरह से बहन है और इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन जताया है। बैनर भी आप देख सकते हो और यहां पर धरने में भीड़ भी देख सकते हो। इनके अलावा बात करते हैं, धरने का दूसरा दिन है, यहां पर भी आप देखिए काफी हमारे पास वीडियो आए हैं। इसके अलावा बात करते हैं, बहन ने कहा है, बहन है सुषमा देवी बहन है, ब्लॉक साहवर वगैरह है कासगंज से, समस्या आ रही है घी दूध वितरण वाले में, क्योंकि लाभार्थी ज्यादा हैं और इनको सामग्री कम मिली है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या आ रही है। हमारी गूंगी बैरी सरकार भी ध्यान नहीं दे पा रही है। आगे चलते हैं, आपको बता दें, सुषमा बहन है, इनके द्वारा समूह वाले जो झगड़ा कर रहे हैं वितरण को लेकर के, जो दिक्कतें आ रही उसके वीडियो आए हैं। वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर हम कल लेकर के आने वाले हैं। अगला एक मैसेज आपको बता दें, मेरठ जनपद में आया है, रजनी सैनी है और यहां पर उन्होंने लिखा कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ 8 मार्च से चल रहे धरना प्रदर्शन, आज 9 तारीख को सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में थाली चम्मच बजा करके विरोध प्रकट करेंगे। 10 तारीख को जो है लकड़ियां सामग्री लाकर के धरना प्रदर्शन स्थल पर हवन करेंगे। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यह जिला धरना प्रदर्शन में होगा, यह सब चीजें बताई जा रही हैं। तो आप इसके लिए भी आप लोगों को सूचना दी जा रही है। साथ ही बता दें आप लोगों को, एक और जानकारी आई है, कोरामा वगैरह में भी, जो आप देखिए इलाहाबाद में है, वहां पर भी बहनों ने अपनी आवाज को उठाया है। बाकी इन चीजों को, फोटो को तो हम पहले ही दिखा चुके हैं। पन्नी देवी बहन है बाड़मेर राजस्थान से, उनका भी कहना आशा सहयोगनी है और इन्होंने भी काफी ट्वीट्स वगैरह भेजे हैं और जो भी यहां पर आवाज उठा रहे हैं नेता लोग उनकी सुन लेते हैं, मीडिया कर्मी भी दिखाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के जो ट्वीट्स इतने आए उनके ट्वीट पर एक भी जो है मीडिया कर्मी ने एक भी आर्टिकल नहीं छापा। नमस्ते सर, देखिए मैं जो है मिर्जापुर से हूं, कृपया हमें आंगनबाड़ी भर्ती की जानकारी चाहिए। आंगनबाड़ी भर्ती कब तक आएंगी? यूट्यूब पर वीडियो बहुत आते हैं लेकिन उसमें जो है कंफर्म नहीं होता। तो भाई अभी आपको बता दें, मैंने पहले भी कहा था कि जब भर्ती आएंगी, आने का मतलब जब से ऑनलाइन होंगे या कोई भर्ती का सरकारी आदेश निकलेगा से, तो आपको फिर सूचना आएगी। चयन प्रक्रिया का शासनादेश जब निकला था दिखाया गया था, भर्ती के लिए विभाग ने कोई डेट कंफर्म अभी की नहीं है तो इसीलिए आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही है। बाकी आप फेक कोई भी वीडियो दिखा रहे हो, कोई लोग, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन ऑल इंडिया तभी दिखाएगा जब कुछ होगा। बात करते हैं अगले मैसेज की, बड़ी दीदी गाजियाबाद से, उन्होंने लिखा है कि अच्छा भाई मुझको चिंता हो जाती है। उन्होंने एक बात और कही कि कल कुछ भी नहीं किया योगी सरकार ने, कितना काम हम लोगों से लिया जाता है, क्या करें ऐसी सरकार का जो है। भैया आप अगर यूनियन लीडर बन जाए तो शायद कुछ हो जाए। तो बहन आप सबका प्यारी काफी और ऑल इंडिया की न्यूज ही काफी है, इसे भी तो कोई संभालने वाला होना चाहिए। मान लीजिए मैं लीडर बन भी गया तो फिर मैं किसी एक जो है यहां पर उसी में रह जाऊंगा, किसी यूनियन में ही जो है फंसा रह जाऊंगा। तो यहां पर ऑल इंडिया है तो बहनों को उम्मीद है और मैं हूं तो यहां पर एकता के लिए सभी को इकट्ठा कर रहा हूं ताकि सभी बहनें एक साथ एक मंच पर रहे और सभी जहां से जानकारी लें। इसके अलावा जो है जब भी जरूरत पड़े तो सब बहनें एक साथ हो और मैं वो मिटा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब यूनियन, यूनियन का जो नाम है जिसमें लोग आपस में बटे हुए, मैं चाहता हूं सभी यूनियन एक हो जाएं और एक साथ मिलकर के लड़े, ना कि अलग अलग बटे रहे और ताकत को भी आप सबकी जो बटी हुई है वो भी कमजोर हो रही, वो भी ना हो। तो हम चाहते कि आप सब एक हो और बटकर के ना रहे। और रही बात लड़ने की या यूनियन में आने की, तो वो भविष्य पर डिपेंड करता है, फिलहाल मेरी अभी ऐसी कोई सोच नहीं है। हम चाहते जो हमारे भाई बहन है जो लंबे समय से यूनियन में है वही काफी है, बस उन्हें अपने अधिकार, आपके अधिकारों को जो दिलाने के लिए प्रयास अपने अपने आप में जो और बढ़ाने हैं, मजबूती से इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। बाकी देखिए मानदेय बढ़ाने के लिए किया बहिष्कार, मऊ जनपद में भी बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है और वैसे भी देखो यहां पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको न्यूज दी जा रही है ऑल इंडिया के माध्यम से मेरे द्वारा, तो आप सब ये भी एक बात याद रखना भाइयों बहनों कि अभी जो आप देख रहे हो सच्चाई देख रहे हो। आज से 2-3 साल पहले आप लोगों को कहीं आंगनबाड़ी की जानकारी नहीं मिल पाती थी, जब से ऑल इंडिया
आया है, तब से कम आंगनबाड़ी बहनों की कुछ तो पहचान बनी है इस मीडिया सोशल मीडिया में। ये आप सभी भाई बहन जानते हैं और भली भांति जानते हैं, 40-40 हजार, 30-30 हजार बहने सुबह वाले वीडियो पर ही जो है देख करके जाती है। इसके अलावा भी बहुत से हैं, सुधांशु पटेल पर भी वीडियो आते हैं, उस पर भी बहने देखती है। 2-2 लाख बहने जो 48 घंटे में ऑल इंडिया पर बनी रहती है, बराबर वीडियो देखती है। अब आप सोचिए कितने भाई बहन है जो ऑल इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने मनाया विरोध दिवस, ये देखिए खुर्जा वगैरह में भी हमारी बहनों ने धरना प्रदर्शन किया है। और सुमन देवी बहन है, उन्होंने भी ये बुलंदशहर जनपद से जानकारी भेजी है। सुबह मैंने इन फोटो को दिखाया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को चेताया है। और ये गोरखपुर से बहन है, उन्होंने भी अपनी हुंकार को भरा है। फिलहाल यहां पर आप देख लीजिएगा, ये यहां पर जो है शायद गीतांजलि मौर्या बहन बैठी हुई, और यहां पर भी धरना प्रदर्शन देखने को मिला हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल। फिलहाल इनके यूनियन के द्वारा मुझे कोई फोटो जो है नहीं आई है, और इसीलिए ये एक अखबार की कटिंग बहन ने उनके वहां से साथ भेजी होगी। जो भी बहन है जिनको दिखाई दी होगी अपने जनपद की, तो उनको भी बहन को धन्यवाद। सीमा चौधरी बहन है, उन्होंने देखिए ये मैसेज किया हुआ है, और यहां पर आप देखिए काफी भीड़ भी मुझे यहां दिखाई दे रही है। इनके अलावा आगे चलते हैं, यहां पर बहुत सी बहनें मुझे इस फोटो में दिखाई दे रही हैं, और ये एक रहा बाराबंकी में धरना प्रदर्शन बहनों ने किया, वहां से आ रहा एक अगला मैसेज ये है। यहां पर उत्तराखंड में बहन है हमारी सुमन देवी, उन्होंने भी ये मुझे अपने वहां से एक फोटो भेजी है। यहां पर भी बहनों को सम्मानित किया गया होगा। आगे देखिए यहां पर एक और वितरण वगैरह किया गया है। यहां पर मऊ वगैरह से चंद्रिका देवी बहन है, इनके अलावा एक ये बहन है मीरा शुक्ला बहन, इनके अलावा बात करती मिर्जापुर से रंजना यादव बहन है, इनके अलावा बात करती एक मैसेज ये आया था यहां पर जो है माधुरी देवी बहन है, इनके द्वारा ये फोटो भेजा गया। साथ ही साथ बता दें ये कमलेश बहन, इनको देखो सम्मानित किया गया, और नीचे और भी बहन है, इनको भी सम्मान पत्र जो है कल दिए गए, कल बहुत सी बहनों को सम्मानित किया गया है। साथ ही बता दें यहां पर आप देखिए प्रवीण बहन है, साथ उनका भी एक मैसेज आया। साथ ही साथ आपको बता दें लखीमपुर खीरी से सुषमा मौर्या बहन है, इनके अलावा यहां पर बात करते हैं आजमगढ़ वगैरह से भी एक बहन है, इन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है। लीला शर्मा बहन है, साथ ही आपको बता दें लक्ष्मी देवी बहन है, इनके द्वारा भी ये मैसेज आया। और इनके अलावा ये एक आंगनबाड़ी बहन है, इनके द्वारा सुनीता यादव बहन, इनको भी सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ एक ये बहन है बरेली वगैरह से भी, बहनों ने कुछ वीडियो भेजे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। गाजीपुर में भी ये बहन है, और यहां पर आप देखिए मोहम्मदाबाद वगैरह में सम्मान पत्र दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए मीरा श्रीवास्तव बहन ने ये वितरण वगैरह किया है। साथ ही साथ जयमा वैष्णो देवी स्वयं सहायता समूह है बलिया वगैरह से, वहां से भी एक मुझे ये फोटो आई। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर मुख्यमंत्री जी को ट्वीट वगैरह माधुरी गुप्ता बहन ने भी किया, और उन्होंने भी ये मुझे जानकारी भेजी थी। साथ ही साथ आपको बता दें एक ये गजला बहन है, उनको भी सम्मानित किया गया, उनकी तस्वीर भी आई, अभी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें एसडीएम साहब के द्वारा ये बहन को और सम्मानित किया गया, कमला देवी बहन है मैनपुरी वगैरह से। साथ ही आपको बता दें ये देख लीजिएगा दौलतपुर पर जो है प्रतिमा रानी बहन, इनके अलावा यहां पर एक फोटो ये आया था रेखा बहन है, उनके द्वारा ये मुझे तस्वीर भेजी गई है। इनके अलावा बात करते हैं सीमा यादव बहन ने भी मुझे ये तस्वीरें भेजी हैं, सम्मानित किया गया बहनों को, या नहीं ट्रेनिंग में ये प्रमाण पत्र बहनों को सौंपे गए हैं। और अगला मैसेज हरदोई से है, यहां पर गजला बहन है, इनके द्वारा भी एक ये फोटो मुझे भेजी गई है। साथ ही साथ बात करते हैं एक मैसेज ये आया मेरे पास सुरेंद्र पवार भाई जी राजस्थान से हैं, इनके अलावा सुनीता देवी बहन है, उन्होंने भी एक मुझे फोटो भेजा है। इनके अलावा बात करते हैं एक मैसेज और आया अमरोहा वगैरह से हैं बहन, और इन्होंने भी वगैरह अपना वहां से एक वीडियो भेजा है। पूनम जायसवाल बहन है, उनके भी एक फोटो आया। सीतामढ़ी वगैरह से भी लक्ष्मी बहन, उन्होंने भी एक फोटो भेजा। और इनके अलावा आपको बता दें ये एक बहन है, उन्होंने भी एक मुझे फोटो भेजा हुआ है। फिलहाल के लिए एक मैसेज ये जया देवी बहन है, इनको भी सम्मानित देखिए किया गया है। इनके अलावा यहां पर देखिए 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन वगैरह डीएम कार्यालय पर जाकर के बहनों ने किया है, और यहां रसूलाबाद वगैरह से बहनें हमारी, इन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ किरण बहन है, उनके द्वारा वितरण किया गया महाराजगंज में। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर सहपुआ वगैरह जिला हाथरस में है, वहां से बहन है, उन्होंने भी ये उनको सम्मानित किया गया, और उन्होंने भी ये फोटो भेजी है। इनके अलावा प्रयागराज से भी बहनें हैं, जोरदार प्रदर्शन यहां पर भी देखने को मिला है, और ये एक मध्य प्रदेश से बहन है, उन्होंने भी ये जानकारी भेजी है। यहां पर भी सम्मानित वगैरह बहनों को किया गया है, सम्मान वगैरह दिए, पत्र थमाए गए। गजला बहन है, इनको देखो इस तरीके से सम्मान पत्र मिला, और उन्होंने भी तस्वीर भी भेजी थी। आगे चलते हैं और भी बताते हैं कि ये मैसेज मेरे पास आया हुआ है, वीडियो आपका उनका कहना रोज देखती, तो बहन ने धरने का वीडियो भेजा है, कल सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाएगा। अगला मैसेज निशा पाठक बहन है, इनको भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बता दें उन्होंने कुछ यहां पर फोटो भी भेजी, जैसे आप ये देख सकते हो। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर अगला मैसेज ये आया था, यहां पर भी बहन है, इनको भी सम्मानित साथ किया गया होगा। और यहां पर मिशन शक्ति को लेकर के उन्होंने 8 मार्च को मनाया है, केंद्र पर ऐसे सब बनाया है, इसके लिए उन्होंने भेजा है। गैसड़ी जिला बलरामपुर से बहन है हमारी। इनके अलावा बात करते हैं हेमलता बहन है सैफई वगैरह इटावा से। इनके अलावा यहां पर वाराणसी वगैरह से भी बहन है, यहां पर ट्रेनिंग चल रही है। अगला मैसेज ये आया था, यहां पर 1 महीने का अंडर प्रोसेसिंग में मानदेय लगा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ बहन ने। आगे चलते हैं आपको बताते हैं ये धरना प्रदर्शन बहनों का चालू है, दूसरे दिन भी आज ये सब धरना प्रदर्शन चंदौली जनपद में देखने को मिला है। नागराज यादव भाई हैं, उन्होंने चंदौली से जानकारी मुझे भेजी है। आगे बात करते हैं यहां पर देखिए सोमवती बहन है, यहां पर भी एक मैसेज आया था। साथ ही साथ आपको बता दें ये आंगनबाड़ी बहन है मुलानी वगैरह देवरिया से, उनका भी एक यहां पर फोटो आया है। साथ ही साथ आपको बता दें पूनम देवी बहन है, उन्होंने भी कुछ वीडियो भेजे हैं। इनके अलावा यहां पर एक और बहन है विमला बहन, इनके अलावा यहां पर एक मैसेज आया था माधुरी देवी बहन का। और साथ ही साथ बता दें आपको ये सुल्तानपुर से भी एक बहन है, उन्होंने भी भेजी हुई जानकारी। साथ ही
मेरी निषाद, ये बिरमा निषाद बहन है, उन्होंने भी फोटो भेजा है। साथ ही यहाँ पर सुपोषण दिवस मनाया गया है और यहाँ पर ज्योति माया वगैरह ऐसे नाम लिखा हुआ। साथ ही साथ आपको बता दें एक मैसेज ये है, कुशीनगर वगैरह में बहन है, घी दूध का वितरण किया है। साथ ही ये विधुना वगैरह से औरैया वगैरह में पड़ता है। साथ ही हाथरस जिले से भी मीना कुमारी बहन है, इनका भी मैसेज आया। ज्ञापन वगैरह देखिए आप लोगों, भाई बहनों, इन बहनों ने भी जाकर के सौंपा है। इनके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज ये भी आया मेरे पास, रामनगर वाला जौनपुर में पड़ता है, वहां से बहन है। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और लास्ट में एक फोटो वगैरह बहुत सी थी, कल की भी लगी है, तो हमने सोचा आज शाम के वीडियो में दिखा देते हैं। और कल जो वीडियो ला रहे हैं उसमें कई सरकारी आदेश हैं और प्लीज पूरा वीडियो सुबह का देखना। आज बताइए आज शाम का वीडियो कैसा लगा। लेकिन आपको मैं जाते जाते फिर बता दूं, 7000 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का सबका उत्तर प्रदेश में नहीं आया, केवल 2 बहनों का देखने को मिला। उनके नाम वाम सब बताया मैंने सुबह के वीडियो में, जिनको चाहिए एड्रेस भी बहन ने भेजा था। उनके अलावा बात करते हैं बाकी जगह जो अन्य अन्य जो जिले हैं वहां पर 1000 रुपया ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। उम्मीद है कि बाकी का जो 4500 है वो भी जल्द लग जाएगा। और रही बात जो 1500 प्रोत्साहन